संसद के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश करेंगी। यह विधेयक बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से लाया जा रहा है, जिससे सरकारी बैंकों के निजीकरण का रास्ता साफ हो सकता है। इस विधेयक को लेकर विपक्ष के तीखे सवालों की उम्मीद है, जो पहले से ही बैंकों के निजीकरण पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जीडीपी गिर रही है और महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा आर्थिक नीतियां केवल गिने चुने अरबपतियों को फायदा पहुंचा रही हैं। राहुल ने कहा कि देश में बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जिससे युवाओं में हताशा बढ़ रही है। चुनाव आयोग के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में मतदान केंद्रों पर वोटर्स की संख्या बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा, जिसमें चुनाव आयोग के अधिकारों और पारदर्शिता पर चर्चा हो सकती है। अजमेर दरगाह विवाद को लेकर पूर्व नौकरशाहों और राजनयिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल देने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में देश की एकता और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री ने दरगाह में चादर भेजी थी, जिससे इस मुद्दे की गंभीरता को समझा जा सकता है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल है। अब गठबंधन में विभागों के बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। महायुति के नेताओं ने दावा किया है कि मतभेद जल्द ही सुलझा लिए जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि महायुति में कोई मतभेद नहीं है। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा आज की जाएगी। हालांकि गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा, इस पर शिंदे ने कोई जवाब नहीं दिया है। किसान संगठनों ने 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। यह मार्च शंभू बॉर्डर से शुरू होगा। मार्च के लिए रोड मैप जारी कर दिया गया है। किसान सड़क पर रात बिताकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आजादी के बाद की कहानियों में हेरफेर किया गया, केवल चुनिंदा लोगों को श्रेय दिया गया। धनखड़ ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में सभी योगदानों को समान रूप से मान्यता दी जानी चाहिए।